होम मिनिस्टर से ये आह्वान नहीं करते कि हमारे कर्मचारियों की सैलरी देने का दायित्व भी सरकारों के ऊपर है। वैसे ही मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहता हूं, जो अपने आप को अभिभावक कहते थे, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, उस मुख्यमंत्री के पास मेयरों से मिलने के लिए समय नहीं है, उस मुख्यमंत्री के पास अपने एमसीडी के उन कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं है जिससे कि इस दिल्ली की जिन्होंने सेवा की अपनी जान जोखिम में डाली। मैं कुछ आंकड़े हैं साथियों जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार दिखाया जा रहा है, सही मायने में इनके रिश्ते आपस में बहुत मधुर है। याद होगा संक्रमण काल में मोदी जी और अमित शाह जी की जो तारीफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किया करते थे, सहयोग की बात करते थे कोविड 19 को लेकर के। आखिर ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर्स की तनख्वाह ना दी जाए? ऐसा क्या हो गया कि एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर ना मिले? यह प्रश्न पूछना लाजमी है। तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ ये आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं, सरकारें हमारी भी रही। याद होगा 1997 से 2002 के बीच में भाजपा की एमसीडी में सरकार थी, सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में शीला जी की सरकार 98 में बनी। कभी ऐसा नहीं हुआ कभी फंड की कटौती की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सफाई कर्मचारियों की या एमसीडी के नेताओं की, एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी ना मिली। 2002 से 2007 के बीच में जरूर सेंटर दिल्ली और एमसीडी में कांग्रेस की सरकार थी, कभी एक लम्हा ऐसा नहीं आया जहां पे तालमेल की कमी हो या उनको सैलरी या तनख्वाह समय पे ना मिली हो। 2007 से लेकर 2012 के बीच में भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली में थी, दिल्ली के अंदर सरकार में शीला जी थी और मनमोहन जी की सरकार सेंटर में थी। साथियों कभी एक पैसे की कटौती नहीं की गई, किसी की तनख्वाह नहीं रोकी।